क्या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब कीजिए स्टे लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जी हाँ, एग्जाम व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप इस समय 12th क्लास में हो या अभी पीछे क्या हुआ, सिलेबस चेंज हुआ और इस पूरे उसको पार्ट को 11th में डाल दिया। और बात 11th की नहीं है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, ये चैप्टर जब कहीं भी होता है तो वो आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। ये बीकॉम में भी यही पार्ट है इसी का। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो, आपके पास इकोनॉमिक्स किसी भी लेवल पे है, ये अगर चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना। चैप्टर का नाम बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता संतुलन तटस्था वक्र विश्लेषण। मान लो मुरारी लाल अब इसकी दुकान जो है समोसे की है और ये समोसे बेचता है और एक कंज्यूमर है जो इसको खरीदता है, लेकिन जब वो खाने जाता है तो कहता है यार समोसे भी ले लेते हैं साथ में ब्रेड पकौड़ा भी ले लेते हैं, भूख लगी है उसको, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट है उसका, तो उसने सोचा कि दो समोसे एक ब्रेकफास्ट ले लूं। या ऐसा कर सकता है कि दो ब्रेड ले लेगा और एक समोसा ले लेगा, ऐसा हो सकता है ना। अभी ये जो चैप्टर है ये इस पे डिपेंड करता है कि जब कोई कंज्यूमर एक से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम, पॉइंट बी नोटेड, एक से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बेसिस पे वो हमें यहां पे पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, मतलब अनाधिमान वक्र या तटस्था वक्र क्या होता है, क्या किसे कहते हैं। बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है यहां पे कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज, पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पे वर्ड है टू, अभी दो और दो से ज्यादा भी हो सकता है बट हम दो के बारे में बात करेंगे, टू और मोर कॉमोडिटीज यील्डिंग, क्या लिखा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन, क्या करता है जी, इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है किसको, कंज्यूमर को। तो यहां पे कुछ बातें निकल के आई कि डिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसका, दो गुड्स का जो यील्डिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो और दो से ज्यादा कॉमोडिटी के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको भूख लगी है, आप घर पे पहुंचे, मम्मी ने चावल भी बना रखी है और पूछा बेटा रोटी कितना लोगे, तो आपने कहा मम्मी एक बाउल चावल दे दो और साथ में दो रोटी दे दो, या फिर आपने रोटी कम कर दी चावल बढ़ा दिया, आपका सेटिस्फेक्शन बराबर है ना। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक ऐसा कर्व जहां पे एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंज्यूमर को क्या मिलता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन। अभी कर्व दिखाऊंगा ना तो पूरी जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट इससे पहले आप इस शेड्यूल को देखो। मान लो एक कंज्यूमर है, कौन है, एक कंज्यूमर जो एप्पल कंज्यूम करता है, तो एक एप्पल खा ले या 10 ऑरेंज खा ले। अब बोलोगे सर एक कौन सा ऐसा बंदा होगा तो 10 ऑरेंज खाएगा, इमेजिनरी सिचुएशन है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ओके, अभी आप मान लो, बाकी रियल सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है। तो एक कंज्यूमर है, या तो एक एप्पल 10 ऑरेंज खा ले तो यूटिल्स जो मिलती है वो 100 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, या दो एप्पल, तो पॉइंट बी नोटेड, यहां पे एप्पल बढ़ा दिया है जबकि ऑरेंज घटा दिया है, एप्पल की ज्यादा क्वांटिटी लेने के लिए उसने ऑरेंज की क्वांटिटी घटा दी। ओके, उसके बाद फिर दो से तीन अगर एप्पल करते तो ऑरेंज फिर और कम कर दिया, लेकिन मजे की बात यह कि पहले जितना था उससे कम कम किया, पहले तीन छोड़ा फिर कितना छोड़ा, अभी दो, फिर तीन से चार, जैसी एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाई ऑरेंज की क्वांटिटी कम कर दी। ओके, देख रहे हो उसको यूटिलिटी जो है बराबर मिल रहा है, यूटिलिटी जो है वो क्या है, बराबर मिल रहा है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे,
जहां पे कंज्यूमर है वहां पे यूटिलिटी इसको क्या मिल रहा है जी, बराबर मिल रहा है। ओके क्लियर है? डायग्राम ठीक से देखना क्योंकि डायग्राम ही बड़े काम की चीज है। यूं तो मैं डायग्राम फ्री हैंड से बना रहा हूं लेकिन आपकी इच्छा है, आप चाहो तो डेटा से भी बना सकते हो, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप डेटा से बनाओ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। ओके ये इंडिफरेंस कर्व है, क्या है ये? इंडिफरेंस कर्व। अभी अगर डेटा की बात करें तो डेटा भी ले लेते हैं, आपकी इच्छा थोड़ी सी पूरी कर देते हैं। सामने देखो, अभी बनाना नहीं, देख लो पहले ये कितना था, 10 भी था ना, फिर उसके बाद कितना था, 7 था। अभी दोबारा बनाता हूं डायग्राम, थोड़ा सा ठीक से बनाऊंगा दोबारा से। उसके बाद कितना था, 5। अच्छा फिर कितना था, 4। ये लो, दोबारा अभी बना दूंगा मैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपके ऊपर है कि इसको मिला के, यूं तो बनाना मिला के ही है इसको, ठीक है? कैसे मिलाना है जी, मतलब इसको मिला के ही बनाना है डायग्राम को। और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, कौन सा कर्व है, आईसी कर्व। बना लो, पॉइंट भी ले लेते हैं जरा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये इधर 4 मान लेते हैं। ये हमारे पास 4 है, मान लिया ऐसे, ये 5 है, ये हमारे पास कितना है जी, 7 और ये हमारे पास 10 है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पॉइंट कुछ ए पॉइंट है जो 1 और 10 को बता रहा है, जबकि ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है जो 2 और 7 को बता रहा है, ये पॉइंट हमारा सी है जो बतला रहा है 3 और 5 को, और ये पॉइंट डी है जो बतला रहा है 4 और 4 को, और ये 100 यूटिल्स की यूटिलिटी बता रहा है। यहां पे बात करते हैं हम ऑरेंज की, जिसको बोलते हैं संतरा, और यहां पे बात कर रहे हैं एप्पल्स की, मतलब सेब। तो अगर बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम में ये जो आप देख रहे हो ये जो गिरता हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं आपके लिए, ये लो हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको। तो ये जो आप कर्व देख रहे हो, ये हाईलाइटेड पार्ट जो देख रहे हो आप अभी, ये वाला पार्ट, ये जो कर्व है इस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं इसको, इंडिफरेंस कर्व। अगर मैं इस सब को हटा देता हूं तो ये जो कर्व दिख रहा है अभी आपको, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व। ये सपोर्ट के लिए बनाए हैं, बनाने के लिए बनाए गए। यहां पे हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ कहता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ए पॉइंट बतला रहा है 110, इसका मतलब ये है कि सेब की जो क्वांटिटी है वो 1 है, जबकि ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी है, 10 है। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग यहां पे बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे 2 and 7, मतलब 2 apple and 7 orange, और C पॉइंट पे 3 apple और 5 orange, और यहां पे 4 apple and 4 orange। आप किसी भी पॉइंट पे रह लो, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कितने यूटिल्स के लिए, कितने यूटिल्स के लिए यूटिलिटी मिल रही है, 100 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। तो ये जो बात कर रहे थे यहां पे कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज इक्वल, विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉमोडिटीज यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर को हर पॉइंट पे, जरूरी नहीं है कि हमने ये जो पॉइंट लिया मैं उन्हीं पॉइंट की बात कर रहा हूं, आप इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट इस कर्व पे, उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके क्या मिलेगा जी, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, व्हाट इज इंडिफरेंस शेड्यूल। तो जहां जहां वर्ड इस्तेमाल किया था कर्व, उसकी जगह शेड्यूल बता दो तो वो शेड्यूल हो जाएगा। ये जो अभी देखा ना आपने, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। ये लो, इसको अभी हटा दिया, ये जो देखा ना आपने इसको बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। क्या लिखा है यहां पे,
इंडिफरेंट शेड्यूल इज अ शेड्यूल विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉमोडिटीज यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ना कि दो और दो से ज्यादा कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन जिसपे कंज्यूमर एवरी पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फेक्शन लेता है, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस शेड्यूल। क्या बोलते हैं इसको? इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। क्लियर है जी? जो अगला टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक का नाम है इंडिफरेंस मैप। क्या नाम है इसका? इंडिफरेंस मैप। सवाल ये उठता है कि इंडिफरेंस मैप क्या है। मैप से पता चल जाता है आपको, मैप मतलब वर्ड समझते हो मैप क्या होता है। तो इंडिफरेंस मैप इज अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ, पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जहां पे हम बात करते हैं क्या, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, विच रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जब एक कर्व के अंदर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व दिखा देते हैं उस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। जैसे कि ये मान लो यहां पे आईसी वन हमारे को 100 यूटिल्स की यूटिलिटी देता है, तो यहां पे 170 यूटिल्स की यूटिलिटी होगी मान लेते हैं, और यहां पे 230 यूटिल्स की यूटिलिटी होगी। जरूरी के बराबर ही हो, बराबर गैप पे ही हो, बट ये ध्यान रखना हाई लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व पहले वाले से ज्यादा ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल बताएगा। ओके तो हमने लिखा यहां पे कि इंडिफरेंस मैप इज अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ईच विच एक्सप्रेस अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इसी के साथ एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये समझने वाली चीज है। कहता बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स विच कैन बी, तो अभी दो गुड्स की बात कर रहे हैं, तो टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद अ गिवन इनकम एंड प्राइस। अब यहां पे मजे की बात यह है कि आपको प्राइस पता है, आपको इनकम पता है, उस पैसे को खर्च करके दो कॉमोडिटी पे खर्च किया जा रहा है और फिर इस हिसाब से खर्च कर रहा है ताकि कंज्यूमर को एक बेहतर सेटिस्फेक्शन मिल सके। मतलब बजट लाइन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद द गिवन इनकम एंड प्राइस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये बात समझने के लिए, इस बात को समझाने के लिए यहां पे एक एग्जांपल उठाते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल में हमने क्या किया, ये एग्जांपल जो है इसमें हमने माना कि रामलाल की इनकम 20 रुपए है। कितनी इनकम है इसकी? 20 रुपए। और एप्पल 4 रुपए का आता है जबकि ऑरेंज 2 रुपए का आता है। अगर हम बात करें यहां पे एप्पल की, तो एप्पल कितने रुपए का है जी? 4 रुपए का। और ऑरेंज कितने रुपए का है? 2 रुपए का। अगर मैं आपसे बात करूं कि सारा का सारा पैसा एप्पल पे लगा दे तो एप्पल कितना खरीद सकता है? आपके पास जेब में 20 रुपए हैं और 4 रुपए का एक एप्पल है, मम्मी ने बोला मार्केट जा बेटा और एप्पल खरीद के लेकर 20 रुपए का, तो कितने एप्पल खरीद के लेके आओगे? 5। पक्का? आवाज नहीं आई? ओके। सारा पैसा ऑरेंज पे खर्च कर रहा हो तो 10। ये देखो ध्यान से देखना, सारा पैसा अगर एप्पल पे खर्च कर ले तो 5 एप्पल, और सारा पैसा ऑरेंज पे खर्च करे तो 10 ऑरेंज। अगर सारा पैसा एप्पल पे खर्च कर दे तो 5 एप्पल लेकिन ऑरेंज कुछ भी नहीं, तो 5 एप्पल 4 के हिसाब से 20 रुपीज और कोई भी ऑरेंज नहीं 2 रुपए के हिसाब से, तो पूरा 20 हो गया। अच्छा अगर वो 4 एप्पल खरीदे तो 4 एप्पल 4 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 16 रुपए। बचे 4 रुपए, इस 4 रुपए में से 2 रुपए वाले 2 ऑरेंज खरीद लेगा वो, यस और नो? और ऐसे करके कई सारे कॉम्बिनेशन होंगे। ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो उसको हमने इधर एक कर्व में दिखाया है, ठीक है, जहां पे ये पहले वाली जो कॉम्बिनेशन रखी थी ऑरेंज की, कि इधर हमने ऑरेंज रखा एक तरफ येलो और इधर हमने एप्पल्स रखे हैं ये लीजिए, तो ये लीजिए, तो अभी हमने जो क्वांटिटी देखी उस क्वांटिटी में क्या देखा हमने, मैक्सिमम कितने ऑरेंज खरीद सकता है वो? आवाज नहीं आई यार, ये देखो ऑरेंज कितने खरीद सकता है?
10 और एप्पल कितने 5। तो ये जो कर्व है कुछ इस तरीके का कर्व है, ऐसा ही है ना। ये लो, ये जो आपने देखा ये कुछ कह रहा है अपने आप में। जी हाँ, कर्व भी अपने आप में कुछ कहता है। ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 10 ऑरेंजेस अगर सारा पैसा खर्च कर लो तो, या फिर 5 एप्पल खरीद सकते हो। इसके बीच में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन? ये तो लिखित में कॉम्बिनेशन है कि 4 एप्पल एंड 2 ऑरेंज खरीद लो, या 3 एप्पल 4 ऑरेंज खरीदो, या 2 एप्पल 6 ऑरेंज, या 1 एप्पल 8 ऑरेंज, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के बीच में वो रह सकता है। ये जो लाइन है ना, नाम से पता चल रहा है, बजट, बजट लाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बजट लाइन। कोई कंफ्यूजन? ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बजट लाइन। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर बजट लाइन क्या है। ये जो देखा आपने इसी को बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो एक एक करके पहले प्रॉपर्टी लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंडिफरेंस कर्व की, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स, साथ के साथ लिख लो, डाउनवर्ड। मतलब हिंदी में कहते हैं तटस्थता वक्र का ढलान, का ढलान बाएं, जिसको बोलते हैं लेफ्ट, से दाएं, जिसको बोलते हैं राइट की होती है। ये पहला है। दूसरा है, सेकंड, आईसी कर्व, आईसी कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब इसको बोले तो अनाधिमान वक्र, तटस्था वक्र भी बोलते हैं और अनाधिमान वक्र भी बोलते हैं, या अंधिमान वक्र। तो अंधिमान वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होती है। उन्तोदर होते हैं, लिखना। थर्ड है, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर, जिसको बोलते हैं अंधिमान वक्र। क्या? अंधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, नहीं काटते, एक दूसरे को ये कभी भी नहीं काटेंगे। ओके, चार है,
हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कहते हैं हम इसको उच्च आईसी, उच्च आईसी संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है, उच्च स्तर को दर्शाता है। और एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, पांच नंबर, वो कहता है कि आई सी नेवर टच ओ एक्स एक्सिस या फिर ओ वाई एक्सिस, तो ये कहता है कि अंधिमान वक्र कभी भी एक्स अक्ष या वाई अक्ष को नहीं काटता है, को नहीं काटता है। क्लियर है जी? तो टोटल इसमें हम लोग बात करें तो पहला क्या है, जोर से बोल के बताओ, आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, यस, फोर्थ क्या है हमारे पास, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और जो फिफ्थ है वो क्या बतला रहा है हमारे को, यस। ये टोटल हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, टोटल पांच प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। घर से क्या करना है आपको, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज बताए हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको याद करके आना है, ओके? बस इतना सा काम है, आप ये याद करके लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में दो काम है, सिर्फ ये कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी, तीन चीजें बतानी है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस। ओके, मजा आ गया, चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।